तो इस क्वेश्चन में हमसे इस कैपुला के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी के जो पेक्टोरल गर्डल है पेक्टोरल गर्डल वो क्या है वो हमारी बॉडी का अपर लिम पोर्शन है ठीक है यानी कि हमारे हैंड्स यहाँ पे इसके बाद जो पेल्विक गर्डल आता है वो क्या है वो लोअर लिम्स होते हैं ठीक है अब हमारी बॉडी दो हाफ में चेंज हो सकती है इसलिए हमारा जो पेक्टोरल गर्डल है वो दोनों हाफ में मतलब कि लेफ्ट और राइट right हाफ में सेम होता है ठीक है तो ईच मतलब कि ईच साइड पे हम बात करेंगे एक साइड की बात करेंगे तो वैसा ही दूसरे साइड भी होगा तो ईच साइड में पेक्टोरल गर्डल में स्कैपुला एंड क्लब वाइकल प्रेजेंट होगी ठीक है तो यहाँ पे जो हमारी स्कैपुला होती है स्कैपुला बोन कैसी होती है डॉसल साइड पे होती है फ्लैट होती है ट्रायंगुलर होती है और इसकी इसकी जो हमारी पोजीशन होती है वो सेकेंड बिटवीन सेकेंड टू सेवन रिब्स में होती है ठीक है सेकेंड टू सेवन रिब्स में प्रेजेंट होगी इसकी पोजीशन और इसमें जो एलिवेटेड रिज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग spine बोलते हैं, ठीक है? है, है, वो जो spine है, वो जो ऐसे project होता है जैसे कि कोई फ्लैट स्ट्रक्चर और एक्सपेंडेड प्रोसेस वहीं पे हमारी एक एक्सपेंडेड प्रोसेस प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे Acromian process. इसी एलिवेटेड एक्सपेंडेड प्रोसेस से जो हमारी क्लवाइकल है वो अटैच होगी एक्मेन प्रोसेस से और क्या करेगी आर्टिकुलेट करेगी तो जो हमारा एलिवेटेड रिज पोर्शन है उसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं और जो प्रोसेस है प्रोसेस वहां से हमारी क्लवाइकल अटैच होगी तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन स्पाइन क्लास एक्स ट्वेल्व से लेकर नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करे डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ सौ पर